आप लोग उसमें पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त राजीव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलता हूँ। आज एक्चुअली क्या था, कल मैं मार्केट गया हुआ था तो मुझे वहाँ पे एक वाटर लेक मिला था, छोटा सा पॉन्ड है, तो वहाँ मैंने वाटर बर्ड्स देखी थी कल बहुत सारी, तो इसलिए आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ फोटोशूट करने के लिए। तो दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ बर्ड्स और फोटोग्राफी और कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूँ कि अगर आप भी वाइल्ड लाइफ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए सबसे पहले चल के देखते हैं क्या सीन हो रहा है वहाँ पे। एक्चुअली मुझे हो गया थोड़ा सा लेट, सनराइज़ भी हो गया है, मॉर्निंग में थोड़ा धुंध सा हो रहा था तो इस वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था, बट धूप आ गई है तो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के पास ही है तो फटाफट पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ पर दिखाता हूँ मैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। ये देखिए, ये ब्लैक नेक स्टिल्ट हैं कि काफ़ी सारे, देखिए मेरे नियर बाई हैं, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। ये देखिए, ये लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सिंगल लेग पे हैं, ये देखिए सब सिंगल लेग पे हैं। ये जनरली वाटर बर्ड्स हैं, ये लोग इंसेक्ट्स वगैरह पानी के अंदर जो भी छोटे मोटे वो काई वगैरह होती है उसको खाते हैं। तो मैंने 400 mm लेंसेस को वीडियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तो मैंने मोनोपॉड ट्राईपॉड कुछ भी नहीं लगा रखा है, इस वजह से हल्का सा आपको वाइब्रेशन नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का शेक हो रहा होगा हैंड। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी टाइप की बर्ड्स अभी मेरे ऑलमोस्ट रेंज में है।
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्टेड हैं या आप उसमें कैमरा वगैरह अगर प्लान कर रहे हैं कि कौन सा बेटर रहेगा, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा मेन होता है कि आप अगर कोई कैमरा भी परचेज करना चाह रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ़ FPS उसके ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेम पर सेकेंड ज़्यादा होना चाहिए, क्रॉस पॉइंट्स ज़्यादा होना चाहिए, मेगापिक्सल्स ज़्यादा होना चाहिए। कैमरा आपका जितना फास्ट होगा, जितना ज़्यादा जल्दी आपका ऑटो फोकस करेगा उतना बेटर रहता है एक्शन फोटोशूट्स में। जैसे बर्ड्स वगैरह होती हैं, ये बर्ड्स की फोटोग्राफी के लिए जितना हाई एंड आपका फास्ट कैमरा होगा उतना ही बेटर। अगर मैं कैनन को रिकमेंड करूँ तो आपका 70 Mark II से स्टार्ट होता है, जो एक प्रोफेशनल कैमरे में आ जाता है आपका। अगर आप उससे कम रेंज में जाना चाहते हो तो 70 आपका एक 90D आ गया, आप 90D भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी 80D और कैनन का 400 प्राइम लेंस यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। अब वो शायद नहीं आता है, अब 400mm आता है उसका। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा आपके लिए होता है कि आप आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपको एक एक लोकेशन पे कई कई घंटे आपको बिताने पड़ते हैं। बहुत सारे शॉट्स लेने के बाद कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो क्लियर आते हैं, तो इसलिए बहुत एफर्ट वाला काम होता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है, तो आप वहाँ पर अच्छा टाइम भी अच्छा स्पेंड कर सकते हैं और आपको अच्छी क्वालिटी फुटेजेस वगैरह भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे।